Hello students, a very good afternoon to all of you. Once again, I welcome you in this show of vocabulary. एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से स्टूडेंट्स. आज के शो में हम डिस्कस करेंगे वोकैबलरी और आप जानते हैं कि जो बेटर तरीका यानी कि आपको जो याद रहता है जो ज़रूरी है मतलब कि मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से कि सर वोकैब हमें याद रहती है कनेक्शन से यानी कि अगर हम किसी वर्ड को रिलेट करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद रह जाता है. और एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में चल रही थी. मैंने सोचा था स्टूडेंट्स से पूछूंगा ये चीज़ कि अगर स्टूडेंट्स आप जो जैसे प्रीवियस आपने वीडियोज़ में वोकैबलरी पढ़ी अगर हम उसको वाइज भी करते चले तो क्यों ना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है. इजंट इट इफ वी कैन जस्ट यू नो रिवाइज ऑल दोज वर्ड्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड जो हमने ऑलरेडी कवर की हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करें और कोशिश करें कि वो रिविजन होता रहे. तो आज एक काम करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग दीज वर्ड्स जो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक स्टोरी उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे रिविजन किया जाएगा मतलब एग्जैक्टली आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको वो पुराने वाले वर्ड्स जो आप पढ़ चुके हैं इफ़ यू हैव नॉट बीन थ्रू देम तो आपको रिवाइज आपको पता चल जाएगा और अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिविजन हो जाएगा. इजंट इट तो इस तरीके से हम लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं. चलो और आप एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप अपनी तरफ से भी कुछ स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड्स सीखे तो उनसे रिलेटेड भी कोई स्टोरी बता सकते हैं. तो आज हम बेसिकली एक बहुत ही एक पॉपुलर किरदार कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर का जिसका नाम है जूलियस सीज़र उसके बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत लंबी कहानी आपको पता है. जूलियस सीज़र बहुत ही फेमस एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का एक ऐसी ट्रेजेडी बट हम थोड़ा बहुत कुछ रिलेट करके उसके बारे में पढ़ेंगे. तो जितने भी बच्चों ने पहले विलियम शेक्सपियर की एक ऐसा किरदार जिसको पढ़ा है जूलियस सीज़र के बारे में पढ़ा होगा उन्हें ही अंदाज़ा होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज की स्टोरी कुछ इस तरह से लेट्स कमेंट्स इट्स लाइक नॉट विजिबल आई थिंक आई शेल राइट लिटिल बिलो हे इट्स विजिबल ना लेट्स कमेंट्स अभी ये विजिबल है विद द रेसिडिविज्म अभी ये थोड़ा सा विजिबल हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में. इट्स विजिबल नाउ अभी विजिबल है आई थिंक ओके लेट्स कमेंस विद द रेसिडिविज्म. देखो सबसे पहले यहां पर आप एक एक करके नोट करना उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते चलेंगे. जैसे एक छोटा सा वर्ड आया आपके सामने कमेंस तो आप सामने लिख सकते हैं इसका मीनिंग होता है शुरू करना ठीक है विद द रेसिडिविज्म. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड रेसिडिविज्म इट इज टू रिटर्न वेयर रिटर्न कहां पर रिटर्न टू अर्लियर फेज और पीरियड किसी ऐसे फेज में ऐसे टाइम में जो पहले की बात करता था उस वक्त में वापस लौट जाना. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि लेट्स कमेंस विद द रेसिडिविज्म. रेसिडिविज्म एक अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स याद रखना आपको क्या है ये रेसिडिविज्म का मतलब होता है जब हम किसी ऐसे काल की जो बात कर रहे हैं ऐसे फेज की बात कर रहे हैं उसमें वापस लौट जाएं. रेसिडिविज्म ऑफ एच यू बी आर आई एस ह्यूब्रिस ऑफ अनबोर्न ये सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं अनबोर्न जार सी जेड ए आर जार आप इसको इस तरह से लिखेंगे लेट्स कमेंस विद द रेसिडिविज्म ऑफ ह्यूब्रिस ऑफ अनबोर्न जार. अब जो सी जेड ए आर है इसमें सी साइलेंट रखते हैं और पढ़ते इसको जार है ठीक है याद रखेंगे. तो अब यहां पर आपके सामने सबसे पहले आ गया है ह्यूब्रिस. तो ह्यूब्रिस का मतलब होता है प्राइड और यू नो एक्सट्रीम प्राइड फुल ऑफ फुलिशनेस. स्टूडेंट्स एक चीज समझना है हमें यहां पर इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी तो हम सीखते ही हैं कहानी से भी रिलेट करते हैं उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे हिसाब से जब आपको ये मैं बताता हूं कि जैसे कोई लिटरल वर्ड होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हिब्रिस वर्ड है ठीक है तो इस वर्ड का जो अर्थ है लिटरल सेंस है वो है कि आप जब एक्सट्रीम सेंस में घमंड आपको होने लगता है किसी चीज़ को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर फॉर एग्जांपल आप पॉपुलर हैं आपको किसी चीज़ की नॉलेज है आप किसी चीज़ में एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको अगर उस चीज़ से संबंधित क्या होने लग जाए एक प्राइड फीलिंग आने लग जाए और एक्सट्रीम सेंस पे पहुंच जाए तो उस
को कहते हैं फुलिशनेस के सेंस में, जब वो कनेक्ट करते हैं तो ह्यूब्रिस वर्ड वहां पर यूज किया जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ह्यूब्रिस इज द प्राइड एंड बेसिकली इट कैन बी यूज्ड जब हम उसको बताते हैं, जब वो फुलिशनेस को शो करने लग जाता है, ठीक है। तो अनबॉर्न जो अभी फ्यूचर में आने वाला है, अनबॉर्न हम कब यूज करते हैं? जब कोई फ्यूचर में आने वाला है। और जो ये वर्ड है CZAR, जिसको हम ZAR पढ़ते हैं, दैट इज दी रूलर, उसको क्या बोलते हैं? रूलर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि शुरू करते हैं वापस उस फेज में जब एक बहुत ही प्राउडी, एक प्राउडी ऐसा, इतना प्राउडी जो एक फुलिशनेस की एक्सट्रीम सेंस में पहुंच चुका है, दी ऑफ अनबॉर्न ZAR, दैट इज द रूलर, कौन? ऑब्वियसली जूलियस सीजर। तो यहां बात चलेगी जूलियस सीजर की। अब बेसिकली क्या है जूलियस सीजर के बारे में, आप लोग बता सकते हैं बेसिकली, कि अगर आपको नाम सुना है जूलियस सीजर का। देखो ओके, तो अब यहां पर आप इसको रिलेट करेंगे किस तरीके से जूलियस सीजर को, कि जूलियस सीजर ड्रेंज्ड इन, आप सिंपल शब्दों से रिलेट करते हुए, इन द टर्पिट्यूड, ड्रेंज्ड का मतलब होता है सोक्ड, लिखो SOKED, सोक्ड। व्हाट डू आई मीन टू से बाय वर्ड सोक्ड, सबसे पहले समझते हैं। ऐसा राजा, आने वाले वक्त का राजा, अगर आपने जूलियस सीजर जो ड्रामा अगर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, उसमें शुरुआत में मेंशन है कि ही इज नॉट द किंग एग्जैक्टली, व्हेन द प्ले स्टार्ट, जब वो प्ले स्टार्ट होता है, ही इज नॉट द किंग, एक्चुअल किंग इज पोम्पे। तो पोम्पे को वहां पर आना है, रोम में आना है, उसका वेलकम होना है, बट सिटीजन्स को भी पता है कि रोम का जो राजा है, जो आ रहा है, जिसका स्वागत हो रहा है, वो है पोम्पे। बट बीच में ही क्या होता है, दैट जूलियस सीजर किल्स पोम्पे एंड ही बिकम्स द किंग। तो ये कुछ इस तरह से कहानी शुरुआत होती है वहां पर, और ये यहां पर बताया जा रहा है सोक्ड इन द टर्पिट्यूड। नाउ टर्पिट्यूड इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज द ईविल और बैड क्वालिटी, आप लिख सकते हैं ईविल और बैड क्वालिटी। तो ईविल वर्ड तो समझते ही है, है ना, हम ईविल वर्ड हम बहुत जनरल सेंस में यूज करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि टर्पिट्यूड का वर्ड का मतलब होता है बैड और ईविल क्वालिटी, ठीक है, किस चीज में, मतलब बुराई से भरा, कैसे, आफ्टर स्लेइंग, SLAYING, आफ्टर स्लेइंग, बहुत सिंपल वर्ड्स को आप रिलेट करते हुए लिखेंगे वहां पर, आफ्टर स्लेइंग द रूलिंग किंग, मैंने अभी बताया रूलिंग किंग वहां पर जो ऑलरेडी था पोम्पे, जो वहां का ऑलरेडी राजा है, उसको स्लेइंग मतलब किलिंग, उसको मार करके, उसकी हत्या करके वो राजा बन जाता है। तो ड्रेंज्ड इन द टर्पिट्यूड ईविल क्वालिटी आफ्टर स्लेइंग द रूलिंग किंग पोम्पे, वाइल, ठीक है, अब यहां तक आप नया सेंटेंस शुरू कर सकते हैं कि वाइल द रोमन्स, आपको पता है रोमन्स कौन है, जो सिटीजन्स हैं वहां के, द रोमन्स, एक अच्छा वर्ड है स्टूडेंट, शायद ये आपने पहले सुना हो, शायद ही सुना हो, क्योंकि ये आपके लिए नया हो सकता है, Enskay, नोट कर लें, ENSKY, ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस वर्ड, Enskay the triumph आपने स्टूडेंट्स ये वर्ड सुना है ट्रायम्फेंट, जो ट्रायम्फेंट वर्ड होता है इसका मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री से ये संबंधित वर्ड है, शायद आपने सुना होगा, ये कॉमन वर्ड है ट्रायम्फेंट। बट Enskay जो वर्ड है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स, इसको लिख लो, इसका मतलब होता है एग्जाल्ट, एग्जाल्ट का मतलब लिख लो सेलिब्रेट होता है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स टू सेलिब्रेट, ठीक है। सबसे पहले लेट्स कमेंस विद द रेसिडिविज्म, व्हाट इज रेसिडिविज्म, रेसिडिविज्म इज द रिटर्न मतलब वापस जाना, कहां पर वापस जाना, कहते ना चलो बात करते हैं पुराने वक्त की, पुराने उस दौर में लौटते हैं, तो वहां पर आप ये वर्ड रेसिडिविज्म यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर लेट्स कमेंस विद द रेसिडिविज्म ऑफ ह्यूब्रिस ऑफ अनबॉर्न ZAR, अनबॉर्न का मतलब मैंने बताया, ह्यूब्रिस का मैंने बताया प्राइड, फुलिशनेस से संबंधित जो है, मतलब इतनी ज्यादा, जब कोई ज्यादा प्राउडी हो जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड, ठीक है।
और ट्रायम्फेंट वर्ड भी आपने सुना होगा, मैंने अभी बताया, आगे आगे देखते हैं। जूलियस सीजर ड्रेंज्ड इन दी टर्पिट्यूड, ड्रेंज्ड का मतलब मैंने बताया स्टूडेंट्स कि जो उसमें बिल्कुल चूर है, कहते हैं ना कि आप किसी, आपको किसी तरह की पावर मिल गई, आपको किसी तरह का कोई राज मिल गया जो आप जिसको डिजर्व नहीं करते थे, तो कहते हैं ये नशे में चूर है, बिल्कुल घमंडी है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ड्रेंज्ड इन दी टर्पिट्यूड दैट इज द ईविल क्वालिटी आफ्टर स्लेइंग, स्लेइंग का मतलब मैंने बताया क्या, किलिंग दी रूलिंग किंग पोम्पे, उसने उसको मार दिया। वाइल रोमन्स एंड स्काई मतलब रोमन्स जो हैं वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग द ट्रायम्फेंट ऑफ, ट्रायम्फेंट किसका, ऑब्वियसली ऑफ सीजर, ऑफ सीजर आप लिख सकते हैं इसको, ट्रायम्फेंट ऑफ सीजर, सीजर की विक्ट्री हुई है क्योंकि उसी ने उसको हराया, तो हम बोल सकते हैं ट्रायम्फेंट ऑफ सीजर। तो उसी दौरान एन आउटलैंडर, स्टूडेंट्स लिखो ये अच्छा वर्ड है, आउटलैंडर का मतलब होता है स्ट्रेंजर, एक अजनबी, अजनबी के लिए हम, स्ट्रेंजर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ आउटलैंडर। आउटलैंडर एक ऐसा वर्ड है जो डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है अजनबी शब्द को, अजनबी के लिए आप, ये अच्छा शब्द है, आप इसको यूज़ करके इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इजंट इट सुन्स, क्या कहते हो भाई, ये शब्द हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि एक राह में जब वो लौट रहा था, एन आउटलैंडर बाय इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, सेलिब्रेट बाय अ कैवियाट, ये लिख लो, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कैवियाट। कैवियाट का मतलब होता है वार्निंग, कैवियाट का मतलब लिख लो स्टूडेंट्स, आई बिलीव ये आपके लिए नया शब्द होगा, सी ए वी ई ए टी, कैवियाट शब्द मींस वार्निंग ऑफ फिएंट, सो फिएंट इज the attack or pretended attack, जो आपको दर्शाया जाए attack जैसा, fiend, feint, तो caveat का क्या मतलब है, warning, और fiat का क्या मतलब है, attack, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा देखो यहां पर कुछ बच्चों ने पूछा है, सर आर दीज वर्ड्स एप्लीकेबल इन द एग्जाम और नॉट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे होता क्या है कि आपके बैंक के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, BOB का एग्ज़ाम है आपका, अभी आपका SBI का मेंस है, ठीक है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके। अब मुझे एक बात बताना, इंग्लिश जिस जिस एग्ज़ाम में आती है, मेरे हिसाब से उसमें हर जगह, चाहे वो पैसेज का क्वेश्चन हो, क्लोज टेस्ट बेस्ड हो, या रीअरेंजमेंट हो, या एरर डिटेक्शन हो, सिंपल क्वेश्चंस भी, मेरे माय अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक एवरीवेयर वेर एवर द इंग्लिश इज़ यूज्ड देयर विल बी सम वर्ड्स, एंड If we are studying any particular word, say suppose we are studying the word drenched or recidivism or slaying or caveat or fiend or outlander, any word, I think this is a very common word. It can be very easily used in the sentence while framing a comprehension, close test, improvement, error detection. So I mean to say that everything, whatever we study in the form of vocabulary will be important. It is very, very important, isn't it? So guys, aap kya kehte hain students? कि ये इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं लगता आपको? चलो नहीं, यहां पर ये कुछ बच्चों ने ये भी पूछा है ग्रामेटिकली, क्या सर कैवियट के बाद हम टू लगाएंगे क्या? नहीं, कैवियट ऑफ फिएंट, मैं आपको बताता हूं, ये वार्निंग थी, चेतावनी थी किस चीज की, अटैक की। तो उसने वहां पर एक स्ट्रेंजर था, आपने अगर स्टोरी पढ़ी हो, जिसने पढ़ी हो उसको पता होगा कि कैवियट ऑफ फिएंट ऑन 15th of March एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे उसमें डिस्क्राइब किया गया है जूलियस सीजर में विलियम शेक्सपियर द्वारा, जो कि जिसको ये भी बोला जाता है ईड्स ऑफ मार्च भी बोलते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा ईड्स ऑफ मार्च क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये वो दिन था जब उसको वार्निंग, चेतावनी दी गई थी कि जूलियस सीजर की हत्या हो जाएगी, ये चेतावनी दी गई थी। अगर आपको पता होगा तो आपको ये ध्यान आएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि, ठीक है, अब बात करते हैं कि ईड्स ऑफ मार्च के बाद क्या है, कैवियट ऑफ फिएंट ऑन 15th of March, दैट इज ईड्स ऑफ मार्च, उसके बाद क्या हुआ, As Caesar being pompous, now आप यहां पर एक बहुत बेहतरीन वर्ड लिखेंगे POMPOUS, pompous, या फिर आप bumptious भी लिख सकते हैं,
मतलब ये ऑल्टरनेटिव है आपके लिए, आप चाहें तो पॉम्पस या बम्पशुअस लिख सकते हैं, विच मीन्स, इसको यहां पर लिख देता हूं, सेल्फ इंपॉर्टेंट. सेल्फ इंपॉर्टेंट मतलब जो अपनी ही तारीफ करता हो या अपने आप को ही मानता हो, और ये मानता हो कि अब उसके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, बाकी सब गलत हैं और मेरे आगे कोई भी सही नहीं है या कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ, तो वो उसके लिए हम उसके संदर्भ में पॉम्पस या बम्पशुअस वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इज़न्ट इट स्टूडेंट्स? संबीत इज़ आस्किंग, सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईड्स ऑफ मार्च. एक्चुअली संबीत, ये जो लैंग्वेज थी शेक्सपियर की, इसमें वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे, पर्टिकुलर वर्ड्स, मैं आपको बताऊं, शेक्सपियर लैंग्वेज भी है बाकायदा, जिसमें ये बताया जाता, जैसे 15th ऑफ मार्च जो है, मार्च के महीने में 15th तारीख को उन्होंने एक चेतावनी, एक वार्निंग जैसी दी थी कि जूलियस सीजर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी. कॉन्स्पिरेटर्स थे. आगे कहानी में यहाँ पर ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता, इतनी कहानी हम पढ़ पाएँ, पूरा प्ले है, ड्रामा है पूरा. तो उसमें ऐसा है कि उसको बताया जाता है कि तुम अब सीनेट हाउस मत जाना. इवन जो उसकी वाइफ होती है जूलियस सीजर की, वो उसको रोकती भी है कि देर आर सो मैनी बैड ओमेंस, सो प्लीज़ डोंट गो टू द सीनेट टुडे बिकॉज इट मे कॉस्ट यू योर लाइफ. ऐसा होता है, ठीक है. आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया, ठीक है. तो इस तरीके से हम ये वाले शब्द को, बम्पशुअस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो बम्पशुअस बीइंग पॉम्पस और बम्पशुअस डज नॉट बिलीव, आप लिखना यहाँ पर, डज नॉट बिलीव एनी कैंडर. तो ये वर्ड आपके लिए नया ज़रूर होगा, कैंडर कैसे, अब देखना. ये जो कैंडर शब्द है, इसका अर्थ होता है ओपननेस और द ऑनेस्टी ऑफ समवन. चूंकि जो स्ट्रेंजर था उसने सच बोला था, परंतु उसको यकीन नहीं हुआ. किसको यकीन नहीं हुआ, आपको बताया जाए कि जो उस व्यक्ति ने, जैसे फॉर एग्जांपल वो व्यक्ति आया और उसने बोला कि तुम्हें जान का खतरा है 15 तारीख को मार्च की, बट इसने माना नहीं. जूलियस सीजर ने उसके कैंडर का क्या मतलब होता है, ओपननेस या ऑनेस्टी या डायरेक्टनेस, मतलब इतना डायरेक्ट होकर वो बंदा बोल कर गया, फिर भी उसने उसको माना नहीं, ठीक है. पॉइंट समझ में आया? तो उसके ओपननेस और ऑनेस्टी को उसने बिलीव नहीं करा और उसने उसको सिंपली क्या कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया. तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, कैंडर ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड avoids his peccadillo. तो अब ये एक वर्ड peccadillo, मैं चाहूंगा आप इसमें लोड कर लो स्टूडेंट, से बिल्कुल डिफरेंट था. avoids his peccadillo. What is peccadillo? Peccadillo is related to small mistakes. किस चीज़ से संबंधित वर्ड है भाई ये? स्मॉल मिस्टेक्स, मतलब जब उसने देखा कि उसको वार्निंग दी गई है, उसको बोला गया है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं हुआ, तो एक बार उसको ये लगा, मतलब बाकी लोगों को ये लगा कि सीज़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब किसी चीज़ को मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, बल्कि जब उसको लोग बोल रहे हैं, इवन उसके जो बहुत ख़ास थे, जैसे एक एंटोनियो एक कैरेक्टर है, वो बाद में इंट्रोड्यूस होता है, मैं उसके बारे में अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, अभी जूलियस सीजर के बारे में बता रहा था, तो उसको वो भी वॉर्न करता है, वो भी बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, बट ही डजंट लिसन टू एनीवन, ठीक है. सो कैंडर ऑल्सो मीन्स र्यूमर्स, आयुष जैन ने पूछा. नहीं, इसका मतलब र्यूमर्स नहीं होता, एक्चुअली कैंडर का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओपननेस, समझते हो, बहुत ही ज़्यादा ओपननेस किसी चीज़ को, या डायरेक्टनेस कहते हैं, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट हो रहे हैं, बिना कहते हैं ना कि लाइक ही इज़ क्वाइट और ही इज़ टू फ्रैंक, ऐसा बोलते हैं. तो वो टू फ्रैंक भी किसी किसी केस में हम कैंडर शब्द को रिलेट कर पाते हैं. तो पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं तो जो हम ऐड कर सकते हैं. हाँ, या शशांक मोदक ने बिल्कुल सही बताया है, एंटनी, उसका जो मार्क एंटनी, जो उसका फ्रेंड था, उसने भी वॉर्न किया था सीजर को, बट ही डिंट लिसन.
Nuris is saying Merchant of Venice में वो एंटोनियो डिफरेंट है, ये एंटनी, मार्क एंटनी इज डिफरेंट, एंटोनियो वॉज डिफरेंट. वो कहानी हम फिर बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट. हाँ, जैसे एक प्रमोद इज ट्राइंग टू मेक अ सेंटेंस, ही सेज आई मेनी टाइम्स मेक्स पिकाडिलो इन इंग्लिश ग्रामर. नाउ इट इज़ अ वेरी नाइस वर्ड, इवन यू कैन ऐड टू योर डिक्शनरी. स्टूडेंट्स, ये आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो. ठीक है, अब पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया. अब एक बार हम क्या करेंगे, सारे वर्ड्स को यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी वोकैबुलरी को भी रिवाइज करेंगे. तो क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता है स्टूडेंट्स, एक और चीज़, एंड मार्क एंटनी अपनी स्पीच के लिए बहुत जाना गया, मतलब वो कैरेक्टर बड़ा पॉपुलर हुआ बाद में. जैसे ही जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है, आपको पता है 15 मार्च को जब सीनेट हाउस पहुँचता है, तो जो मार्क ब्रूटस है विद कैशियस एंड ऑल, एवरी वन वॉज अलॉन्ग दैट सो पॉपुलरली नोन एज दी कॉन्स्पिरेटर्स, उनको कॉन्स्पिरेटर कहा जाता था. उन्होंने कॉन्स्पायर किया अगेंस्ट जूलियस सीजर एंड दे स्टैब्ड. तो सबसे पहला एक फेमस डायलॉग भी था वहाँ पर, उसी में एक लाइन भी है, ए टू ब्रूटे, जिसका मतलब था कि तुम भी ब्रूटस, तुमने भी मतलब मेरे साथ विश्वासघात किया. ये जूलियस सीजर को लगता था कि ब्रूटस उसका खास है, वो ऐसा नहीं करेगा, जबकि ब्रूटस भी उसी कॉन्स्पिरेटर्स में शामिल था. और उसी के बाद मार्क एंटनी की एक स्पीच आती है जिसमें वो ऐसा बोलता है. ठीक है, तो अब यहाँ तक मेरे ख्याल में स्टोरी आपको क्लियर हो गई, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इन वर्ड्स को एक लाइन से सीक्वेंस में रख के कि सर कौन कौन से वर्ड्स थे और इनको हम कैसे यूज करने वाले हैं. ठीक है, स्टोरी बेसिकली हम कैसे भी बना सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं. ये एक सिंपल सी स्टोरी थी. स्टोरी एक बहाना हो सकता है आपको याद करने का. ऐसे आप डायरेक्टली वर्ड्स याद करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको रीज़न नहीं मिलता. या मैं भी अगर मुझसे भी कोई कहे कि वर्ड्स याद करो तो लाइक देर मस्ट बी सम रीज़न, इज़न्ट इट, बिकॉज आप बिना किसी रीज़न के कैसे स्टोरी याद करेंगे. तो कुछ ना कुछ होना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, आप बताना कि इसके मीनिंग्स क्या हैं. हमने पहला वर्ड पढ़ा था रेसिडिविज़म. ठीक है, एक वर्ड है रेसिडिविज्म, इसको नोट करते जाओ और बताते जाना. आउटलैंडर, कैवियट, कैवियाट. ठीक है, बम्पशियस. ठीक है, एक एक करके सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग बताने स्टूडेंट्स, एंड मेक श्योर दैट यू डोंट गो रॉन्ग. ठीक है, फियन, आप आंसर करते चलो. पिकाडिलो. ओके, तो कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को डाउट भी हो सकता है, इट इज फाइन, बट आपको मीनिंग बता दिया जाएगा, बट आपको पहले ट्राई करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टर्पिट्यूड भी एक वर्ड था. ओके, ग्रेट. अब यहां पर काफी बच्चों को वर्ड्स याद हैं क्योंकि उनके आंसर सही आ रहे हैं लगभग. ठीक है, अगर आपको बम्पशियस याद है तो पॉम्पस भी याद होना चाहिए. एक वर्ड था पॉम्पस. ठीक है, ये वर्ड भी आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल में याद होना चाहिए या याद है. अगर याद है तो बिल्कुल लिखेंगे कि बम्पशस जैसे वर्ड है वैसे व्हाट इज पॉम्पस. ठीक है, ओके, तो लेट्स चेक वेदर पीपल रिमेंबर द वर्ड एन स्काई बिकॉज इट वॉज अ वेरी नाइस वन, एन स्काई. चलो, इट इज रिटर्न टू द अर्लियर स्टेज, पुराने टाइम पे वापस जाना इज रेसिडिविज्म. रेसिडिविज्म क्या है? रिटर्न टू द अर्लियर स्टेज, आप सिंपली कह सकते हैं वापस उस स्टेज पर जाना जहाँ से शुरुआत हुई थी, दैट इज कॉल्ड रेसिडिविज्म, रिटर्न टू द अर्लियर स्टेज. ठीक है, ठीक है. अब एक वर्ड यहाँ पर मिस हुआ है जो मैंने लिखा था, बट अभी पूछा रही है, उसको भी ट्राई करेंगे. वॉट इज ह्यूब्रिस? रिमेंबर गाइज, देर वॉज अ वर्ड ह्यूब्रिस. तो एक और वर्ड भी यूज़ किया था मैंने जिसका उच्चारण था जार, इसमें सी साइलेंट था, मैंने बोला था. ठीक है,
अनबॉर्न को हम यूज़ करते हैं किस सेंस में, मैंने इसको भी यूज़ किया था, आप वहाँ पर बता सकते हैं इस शब्द को. इवन सिंपल वर्ड भी यूज़ किया है आज के मैंने स्टोरी में, कमेंट्स. तो कमेंट्स का मीनिंग भी आपको बताना है, कमेंट्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है. और जो इजी इजी वर्ड हैं जैसे ड्रेंज्ड है, इनका यूज़ हुआ है बीच बीच में, बट यू कैन ईजिली जस्ट कनेक्ट देम, ठीक है. ट्रायम्फेंट का यूज़ हुआ है, ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ हुआ है. तो मेरे ख्याल में ये इजी वर्ड्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? चलो, सो ह्यूब्रिस का मीनिंग मेरे ख्याल में बच्चों ने सही बताया है, दैट इज प्राइड. प्राइड सही है. ज़ार इज द रूलर, अनबॉर्न इज द फ्यूचर, अपकमिंग. फ्यूचर लिख लो या अपकमिंग लिख लो, जैसे किसी को आपको ये डिस्क्राइब करना हो ना कि अपकमिंग किंग है, अपकमिंग रूलर है, तो हम वहाँ पर ये अनबॉर्न शब्द यूज़ कर सकते हैं. एंड कमेंट्स इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, हम लोग बहुत ही जनरल वे में यूज़ करते हैं कमेंट्स. क्यों कहते हो भाई? कमेंट्स यूज़ करते हो ना जनरली, हम किसी चीज़ के बात करते हैं बोलते हैं लेट्स कमेंट्स, लेट्स बिगिन, तो बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए. ड्रेंच्ड इज़ यूज टू शो समथिंग विच इज़ सोक्ड, कम्प्लीटली सोक्ड, मतलब पूरा तरह से डूबा हुआ उसी चीज़ में, भीगा हुआ. और वेट के सेंस में भी यूज़ करते हैं, WET, वेट, ठीक है. ट्रायम्फेंट इज़ द सेंस ऑफ विक्ट्री, हैविंग विक्ट्री. एंड स्काई इज़ टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट इट्स अ नाइस वर्ड, सेलिब्रेट करने के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है. वॉट इज पॉम्पस? पॉम्पस और बम्पशियस का मैंने मीनिंग बताया था, दोनों का सेम है, शायद कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चे भूल गए होंगे. यहाँ पर संदीप इज सेइंग यस, PDF बिल्कुल मैं आपको फॉर श्योर PDF प्रोवाइड कर दूंगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, इन सारे वर्ड्स को एक साथ करके. इनफैक्ट आपको स्टूडेंट्स बता दिया जाए कि लगभग लगभग 2200 वर्ड्स का एक वीडियो कोर्स मैंने बनाया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जैसे बोलते हैं सर हमें वर्ड्स एक साथ कहाँ पे मिलेंगे, या हम ऐसे वर्ड्स कहाँ से ढूंढ के लाएं जो मतलब बिल्कुल ऐसे जॉनर के हों जिनको हम पढ़ने के बाद ये ना लगे कि सर ये वर्ड्स आते कहाँ. जैसे फॉर एग्जांपल CPO की तैयारी जो करते हैं बच्चे इसमें स्पेशली आपको पता है मेंस में इंग्लिश आती है, और CGL या बैंक के एग्ज़ाम जिसमें आपको पता है कि वर्ड्स का एक ऐसा रोल है जो जिसको आप ऐसे डिस्क्राइब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते. मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है ना स्टूडेंट्स, आपको वोकैब पर कमांड है, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड का, किसी बोर्ड से पढ़ा हो, UP बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, CBSE, SSC, किसी ICSE किसी बोर्ड से पढ़ा हो, मैं ये चीज़ मानता हूँ अगर उसने अपनी वोकैब अच्छी कर ली तो उससे चाहे वो उसको एरर्स का क्वेश्चन पूछ लो, फिलर्स का क्वेश्चन पूछ लो, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मैं चैलेंज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता कोई भी, भले उसको एक भी रूल ना आता हो. ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, आप लिख लो कहीं पे भी. मंगेश सागर इज आस्किंग सर BOB के लिए यूजफुल है. मैंने आपको बताया ये किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है. वो कैप तो ऐसी चीज़ है जो मतलब ये नहीं कहते कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए नहीं, लिख लो ये होता है सेल्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो सेल्फ इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने आप की तारीफ करता है, मैंने बोला था, जो ये सोचता है कि मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, कोई दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है? तो उसके लिए हम ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं. फेंट का क्या मतलब होता है? इट्स द प्रिटेंडेड अटैक. यू कैन से व्हाट? प्रिटेंडेड अटैक. दिख रहा है स्टूडेंट्स ये वाला वर्ड प्रिटेंडेड अटैक? नोट कर लेना, इसका मतलब होता है प्रिटेंडेड. किसका? फेंट का मतलब प्रिटेंडेड अटैक. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडर? जो मैंने पूछा था ऑनेस्टी से रिलेटेड है, आपके ओपननेस से रिलेटेड है, कैंडर वर्ड को हम यूज करते हैं, ठीक है, आपको याद होगा. व्हाट इज कैवियट? कैवियट का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? आपको याद होगा वार्निंग. और नोट कर लो, कैवियट को आप नाउन के जैसे यूज कर सकते हो. आउटलैंडर इज अगेन अ नाउन, बट यू कैन यूज एज इट एज अ स्ट्रेंजर. जैसे कोई स्ट्रेंजर वगैरह है ना, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कि आउटलैंडर है. आउटलैंडर से तो पता भी चल रहा है जैसे कोई बाहर से आया हो, इजंट इट? ऐसा लग रहा है. स्मिता इज आस्किंग सर पॉम्पस का मतलब क्या? टॉकेटिव हो सकता है. टॉकेटिव के लिए आप बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो. गैरुलेस यूज कर सकते हो, है ना, जो लाइक बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, चैटर बॉक्स जिन्हें बोला जाता है ना, जैसे बोलते हैं हम लोग बहुत जनरल वर्ड्स में. सो
ओके संदीप, आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि सर वो कौन सा वीडियो कोर्स है बेसिकली जिसमें हम वो सारे वोकैब, अच्छा आपको एक चीज़ बता, उसको मैं अपडेट भी कर रहा हूँ। जो वो वीडियो कोर्स है वोकैबलरी का, वो बेसिकली ये ध्यान में रख के बनाया गया था, अगर कोई स्टूडेंट उस वोकैबलरी वो वीडियो कोर्स को पढ़ता है, बेसिकली जो डेली वोकैब के नाम से कोर्स बना है, उसमें आपको अपडेट्स मिलते हैं, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मतलब आने वाले टाइम जैसे मैंने अपडेट कर दिया है उसको मैं ऐड कर दूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा, जिनके पास है ऑलरेडी, और जिनके पास नहीं है उनको मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है जो आप देख रहे हो, इसी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैंने ऐड करवा दिया है, तो वहां से भी आप उसको चेक कर लेना बाद में। फिलहाल तो अब बात करते हैं ज़रा टर्पिट्यूड की। तो ये होता है ईविल क्वालिटी, बैड क्वालिटी, जिसके अंदर बुरी चीज़ें जुड़ी हैं, तो उनसे संबंधित ये वर्ड हो सकता है। एंड व्हाट इज पिकाडिलो? पिकाडिलो वर्ड का यूज मतलब होता है जैसे स्मॉल मिस्टेक्स, जैसे किसी ने कोई गलतियां करी हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, कहते हैं वी कैन इग्नोर पिकाडिलो या वी मेक सो मैनी पिकाडिलो, है ना, बोलते हैं ऐसा। तो स्मॉल मिस्टेक्स के लिए अच्छा वर्ड है, आई थिंक आपको याद रहेगा, स्मॉल मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं इतनी सारी, तो हम लोग याद रख सकते हैं, ईजी वर्ड है। वॉट इज स्लेइंग? स्लेइंग इज द किलिंग, किलिंग ऑफ होम, किसका, किसकी हत्या, मतलब किसी की हत्या कर देना, ठीक है। ओके प्रवेश कुमार, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और नेहा आनंद इज आस्किंग व्हाट इज टर्पिट्यूड? तो टर्पिट्यूड का मीनिंग देखो मैंने यहां पर लिखा है बैड क्वालिटी, आप यहां से चेक कर सकते हो। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई अच्छा, जैसे अगर आपको अनप्लेजेंट सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ईड्स ऑफ मार्च की बात चल रही थी, आपको बताया मैंने 15th ऑफ मार्च जो कि उसके लिए एक बैड ओमन था जूलियस सीजर के लिए, उसको बोला कि मत जाओ आप, तुम्हें मारा जा सकता है। तो दी बैड सिचुएशन और बैड लाइक टाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वन वर्ड, उसको एक वन वर्ड में हम बता सकते हैं, लिख लो, एक अच्छा वर्ड होता है इंग्लिश में ऑनरस, ONERROUS, ऑनरस। इस वर्ड का मतलब होता है जब हम किसी को बैड सिचुएशन, डिफ़िकल्ट कोई सिचुएशन हो, अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, जिसको डील करना मुश्किल हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, अनप्लेजेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, ऑनरस का, ठीक है, समझ आया। प्रमोद, वेरी सून दी PDF will be provided to you. Fine. Even few students have got it already. ठीक है, चलो ओके। तो अब स्टूडेंट्स यहां तक आपने देख लिया कि आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं स्टोरी बेस्ड मिल गए, तो एक बार अब आ जाता है रिवीजन का टाइम। तो क्यों हम एक बार रिवीजन कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स आप लोग रिवीजन के लिए रेडी हैं? मतलब जो हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने वोकैब सीखी है उसको एक बार रिवाइज करना है। तो क्या आप सब लोग एक छोटी सी क्विज के लिए तैयार हैं, एक छोटी सी क्विज जिसमें आपको आंसर करना है और ये चेक किया जाएगा कि आप रेडी हैं या नहीं? चलो ग्रेट, तो यहां पर सभी रेडी हैं। चलिए अब दिखाते हैं सबसे पहले यहां पर स्क्रीन पर बच्चों को क्विज, तो जिसमें उनको आंसर करना है। लेट, कैन वी हैव कंप्यूटर जी द क्विज? ओके, तो आपके सामने पांच, आपको टोटल 10 शब्द दिए जाएंगे। यू विल बी गेटिंग 10 वर्ड्स, फर्स्ट इन द फर्स्ट फाइव इन द फर्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट फाइव इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक्स पोस्टुलेशन, डॉसिए, जेंडार्म, ऑस्टेंसिबली एंड चौचका, ये वर्ड्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस session. So I believe people remember these words and they can easily answer the question that is match the following. So match the following ke wo questions hain, aapko answer karne hain, just try to answer them. So what is expostulation? What do you think the first one can be related? बताओ, one का क्या होगा, dossier का क्या होगा, gendarme का क्या relation होगा, क्या meaning होगा, और ostensible का और chochka word का। Great, I think यहाँ पर काफ़ी बच्चों को याद है। नितिन ने आंसर दे दिया, 5 का सी, 2 का डी, 3 का ए। Expostulation जो पहला वर्ड है उसका आंसर आना चाहिए ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक बार आंसर दिखाएंगे पहले वर्ड का। The first should be
objection. Now, what is dossier? Dossier is related to your paper or something, your file or that kind of thing. ठीक है, तो आपका जो second word है dossier, वो किस चीज़ से संबंधित है? That is related to the फाइल ऑफ पेपर, यानी कि डी. तो टू का आंसर डी आना चाहिए. बाद में पूछूंगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, तो टू का आंसर यहां पर दिखा देंगे डी. संबीत ने भी आंसर दे दिया है बी डी ए ई सी, यानी कि सीक्वेंस बता दिया इन्होंने, तो बी के बाद डी आ गया. अब जेंडाम का मतलब होता है एक कॉप, जो कि स्पेशली फ्रेंच कॉप होता है, बट आप यू भी यूज कर सकते हैं जेंडाम वर्ड को. तो सेकेंड वर्ड का आंसर होना चाहिए ए. लेट्स हैव इट ऑन द स्क्रीन. सेकेंड वर्ड का आंसर होगा ए, दैट इज फ्रेंच कॉप. ऑस्टेंसिबल, तो ऑस्टेंसिबल का मतलब इज प्यूटेटिव. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्यूटेटिव? एविडेंट, वो जो चीज जिसका पुख्ता सबूत है, प्रूफ है, ओपन है, क्लियर है, प्यूटेटिव है, दैट इज द एविडेंट. आप उसको एविडेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल का मीनिंग दिखा देंगे यहां पर. और लास्ट वर्ड जो है चौचका, दैट इज एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ऐसी चीज़ जो बहुत चमकदार है, जो कि बहुत ही ईजिली नोटिसेबल है. तो यू कैन से दैट येस द फिफ्थ वर्ड इज रिलेटेड टू एक्सपेंसिव ज्वेलरी. तो ये पांच मैच द फॉलोइंग फर्स्ट स्लाइड के. अब प्लीज एक बार स्टूडेंट्स को सेकेंड स्लाइड पर भी ले चलें. सेकेंड स्लाइड आपके सामने है, स्क्रीन पर आ चुकी है. स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम स्कोर करें, और ये चीज हमेशा चलेगी. देखो, निम्बस, सरमाइस, साइनजर, क्वांड्री एंड नेबुलस. सो लेट्स चेक हाउ मेनी पीपल रिवाइज एंड हाउ मेनी पीपल आर प्रीटी सीरियस अबाउट देयर स्टडीज. सो यहां से पता चल जाएगा आपको कि बेसिकली आपको कुछ याद है या आप भूल चुके हैं. ओके, चलो. सेकंड में तीन सही हुआ, देवजीत ने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है. कि देखो, इससे कोई फर्क नहीं होता कि आपके क्वेश्चन सही हुए गलत, बट आपको याद हो गया, आपने दोबारा देख लिए. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर मी गाइस. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको याद आ. तो निम्बस वर्ड का स्क्रीन पर आंसर दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों ने यहां पर बताया है सर वन का डी होगा. बट एरोमा आपको बता दिया, निम्बस इज रिलेटेड टू एरोमा. एंड वॉट इज एरोमा? दी एयर, दी सराउंडिंग, जो एटमोसफियर आपके चारों तरफ है वो. नाउ सरमाइस का मीनिंग आपने यहां पर ए बताया, कुछ ने डी बताया है. ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सरमाइस वर्ड का मतलब होता है गेस समथिंग. जब किसी की चीज़ के बारे में आप गेस करते हो, उसको बोलते हैं. कैन वी शो सेकेंड वाले का आंसर दिखा दें स्टूडेंट्स को? सरमाइस का आंसर गेस होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज साइनजर. साइनजर वर्ड मैंने, याद है आपको, एक स्टोरी सुनाई थी एक केमिस्ट्री टीचर की, याद है आपको स्टूडेंट्स? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्चना इज आस्किंग वो कैब का सेशन हफ्ते में कितनी बार. एटलीस्ट आई एम ट्राइंग दैट ये तीन बार एटलीस्ट हो, एटलीस्ट थ्री टाइम्स अ वीक इट शुड बी देयर, सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट. ठीक है, सो साइनजर वर्ड जो वहां पर यूज हुआ है, उसको हम गाइड के लिए यूज करते हैं. तो थर्ड का आंसर होना चाहिए बी. लेट्स हैव इट ऑन द स्क्रीन. या सो नाउ फोर्थ वर्ड इज क्वांड्री. नाउ वॉट डू यू थिंक? वी हैव ओनली टू ऑप्शंस लेफ्ट, अनक्लियर एंड प्रॉब्लम. सो वॉट डज वर्ड क्वांड्री मीन? देखना है कितने बच्चे सही जवाब दे पाएंगे. क्वांड्री शब्द का क्या मतलब होता है? कम ऑन. क्वांड्री शब्द का मतलब यहां पर काफी बच्चों ने बताया है कि सर इट शुड बी अनक्लियर, और कुछ बोल रहे हैं प्रॉब्लम, यानी कि गेस कर रहे हैं. चलिए इसका आंसर क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स को, स्क्रीन पर दिखा देते हैं. इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम. अनक्लियर नहीं होता, क्योंकि नेबुलस वर्ड का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो, something which is blur or not very specific, not very clear, like crystal clear, that is nebulous. So nebulous का answer unclear होगा, और quandary का answer problem से संबंधित होगा. So इसका answer last में clear कर देते हैं screen पर, और फिर हम full final screen, clean screen पर चलते हैं, अपनी main screen पर चलते हैं, एक बार सामने ले आते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चन, यानी कि मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन. आई होप आपको ये मज़ा आया हो मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस करने में, और स्टोरी से भी आपको कुछ वर्ड्स याद. देखिए, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. आपकी क्विजेज भी इंपॉर्टेंट है, क्विजेज भी चलनी चाहिए, और आपके ये नए नए वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं स्टोरी बेस्ड. बाकी आपका सजेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. आप अपना सुझाव दीजिए,
आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी, तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ सर इसमें ये चीज़ हमें चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स सच में कम टाइम में एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं या एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे वीडियोस प्रॉपर देख पाएँ, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो डेली वोकैब का ऑलरेडी एक वीडियो कोर्स है उसको ज़रूर लें। उसको उसमें ऑलरेडी 2200 वर्ड्स हैं जिनमें और वर्ड्स अपडेट किए जा रहे हैं, यानी कि उनके लिए फिर कोई दूसरा ये नहीं कह सकते कि अब मुझे और वर्ड्स कहाँ से सीखने, यानी कि ये श्योर शॉट कहा जा सकता है कि सारे वर्ड्स मैंने लगभग उसमें कवर करने की कोशिश की। In fact, synonyms with antonyms and the examples that in bilingual language. So that is very, very useful for all the students. So if you want to check that particular video course, you can just check in the description box. ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और आपका महत्वपूर्ण जो यहाँ पर सुझाव होता है उससे बहुत कुछ फ़ायदा होता है। यस, सुमित मिश्रा ने कहा यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ कराएं, तो बिल्कुल आपको एग्जांपल्स के साथ भी करा दिया जाएगा। मैंने बोला ना आपके सुझाव हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, तो ज़रूर अपने सुझाव दीजिए और उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।